स्वरूपम् कर्मापिते च मधुरं मधुरास्मृतिश्च बुद्धिं प्रबोधय प्रभो मधुबोधशक्तिं विद्यां प्रयच्छ परमां परिभावयामि कोमलं कूजयन् वेणुं श्यामलोयं कुमारकः वेदवेद्यं परं ब्रह्म भासतां हृदये मम कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविता शाखां वंदे वाल्मीकिकोकिलम् निगमकल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखादमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं दशमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः तृणादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानिना मानदेन कीर्तनीय सदा हरिः नारायणाखिलगुरो भगवन् नमस्ते शिवाय नमः शिवलिंगाय नमः तन्मे मनः शिवसंकल्पमस्तु सर्वे भवन्तु सुखिनः श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का गोमाता की गोहत्या भारत सर्वभूत हृदय धर्म सम्राट श्री स्वामी करपात्री जी महाराज की श्री जगन्नाथ महाप्रभु की श्री बलभद्र महाप्रभु की भगवती सुभद्रा देवी की हर हर महादेव गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नेनाथ नारायण वासुदेव गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधारमण हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधारमण हरि गोविंद जय जय श्री वृंदावन विहारी लाल की जय नमो महाद्भ्य शंभो शिव 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 नारायण 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 समुपस्थित समादरणीय संत वृंद
विद्वद वृंद भक्त वृंद एवं भक्तिमती मातृशक्ति। पृथ्वी चरम कार्य है, सकल विशेषताओं का सन्निवेश इसमें है। वृक्ष इत्यादि पृथ्वी के कार्य हैं, तारतम्य संघात हैं। शब्द स्पर्श रूप रस गंध के अतिरिक्त कोई छठी विशेषता से संपन्न नहीं है। पृथ्वी फल है, चरम कार्य है, कारण और कारण के गुण कार्य में अनुगत होते हैं, यह सनातन सिद्धांत है। इस दृष्टि से पृथ्वी में जल, तेज, वायु, आकाश की अनुगति है। जल, तेज, वायु, आकाश के गुण की भी अनुगति है, अतः पृथ्वी फलात्मिका है। पृथ्वी का अधिदैविक स्वरूप गोवंश है। जब जब पृथ्वी पर संकट प्राप्त होता है, अराजक तत्व वर्चस्व को प्राप्त होते हैं, पृथ्वी गाय का रूप धारण करके ब्रह्मा जी के पास रुदन करने जाती है। पृथु जी ने भी गाय को पृथ्वी के रूप में व्यक्त किया और विविध प्रकार के अन्न उसके दोहन से प्राप्त किया। सबसे सूक्ष्म अन्न का नाम अमृत है, जिसका ग्रहण देवता करते हैं। देवता ग्रहण भक्ष होते हैं, अमृत का ग्रहण करते हैं, सूंघने मात्र से उन्हें तृप्ति की प्राप्ति हो जाती है। दर्श पौर्णमास, अमावस्या और पूर्णिमा के अवसर पर देवता के निमित्त जो याग विशेष होता है, उससे देवताओं का पोषण होता है। देवान्न कहे जाते हैं दर्श और पौर्णमास। हम आप जो जीव हैं, हमारे आहार कितने सूक्ष्म हैं, इस पर विचार करने की आवश्यकता है। बृहदारण्यक उपनिषद में सप्तान्न ब्राह्मण का वर्णन है। हम जीव चावल, दाल, रोटी, सब्जी, भात का सेवन करते हैं, ऐसा हमको लगता है। वस्तु स्थिति ऐसी नहीं है। वस्तु स्थिति यह है कि वाक, प्राण, मन ये जीव के अन्न हैं। हमारा आपका भोग बहुत सूक्ष्म है, हमारे भोग्य पदार्थ भी बहुत सूक्ष्म है। देहेंद्रीय प्राणांतःकरण में तादात्म्यापत्ति, अहमिति के कारण, एक रूपता के कारण हमको ऐसा लगता है कि हम चावल, दाल, रोटी, सब्जी आदि से पुष्ट होते हैं, परंतु देहेंद्रीय प्राणांतःकरण का पोषण ही अन्न जल आदि से होता है। हमारा भोग्य बहुत सूक्ष्म है, वाक, प्राण, मन। इसका अर्थ होता है वाक के द्वारा नाम की, शब्द की अभिव्यक्ति होती है, प्राणों के द्वारा क्रिया का संपादन होता है, मन के द्वारा पदार्थ रूप की अभिव्यक्ति होती है। नाम रूप कर्म ही जीव के भोग्य हो जाते हैं। और भगवत पाद शिवावतार शंकराचार्य महाभाग ने इन सब वचनों का मंथन करके एक अद्भुत तथ्य उद्भासित किया कि जीव प्रज्ञा का भोक्ता होता है, न कि विषय का। प्रज्ञा माने ज्ञान, बुद्धि।
जीव प्रज्ञा का भोक्ता होता है न कि वस्तु का। चावल दाल रोटी सब्जी रबड़ी कचौरी मालपुआ घेवर ये सब जो भी पदार्थ हैं उनका हम सेवन करते हैं, उनका पर्यवसान शब्द स्पर्श रूप रस गंध में हो जाता है। दीर्घ शस्कुली का उदाहरण मधुसूदन सरस्वती महाभाग ने दिया, खाजा कचौरी मालपुआ ये सब दे सकते हैं उपलक्षण विधा से। खाजा ले लीजिए इतने बड़े, यूँ पकड़िए दांत से कट की आवाज़ होगी, काटने पर खाजा का एक रूप शब्द बन गया, त्वक के द्वारा एक रूप स्पर्श के रूप में ग्राह्य हो गया, नेत्रों के द्वारा खाजा का एक पर्यवसान रूप के रूप में हो गया, रसनेन्द्रीय के द्वारा खाजा का पर्यवसान रस के रूप में हो गया, नासिका के द्वारा खाजा का पर्यवसान गंध में हो गया। भेद को उपाधि इसको पंचदशीकार ने कहा है। हमारे जीवन में कोई ऐसा कारण नहीं है कि खाजा का समग्र ज्ञान एक कालावच्छेदन उसके द्वारा हो जाए। शब्द स्पर्श रूप रस गंध के रूप में खाजे का पर्यवसान हो गया। अंत में हम तक क्या पहुंचा? आजकल का उदाहरण, नीचे के कर्मचारियों ने सब घूस ले लिया, ऊपर तक पहुंचा क्या? इस पर जैसे विचार करना चाहिए वैसे ही, या संसार लुढ़कते पुढ़कते परार्थ सत्ता होने के कारण आत्मा की ओर द्रवित होता है, अग्रसर होता है, द्रुत गति से चलता है और पहुँचते पहुँचते आत्मा तक वही हो जाता है जो कि आत्मा का स्वरूप है। बहुत बढ़िया कहावत है, सूर्य को दीपक दिखाना। सूर्य को दीपक दिखाकर क्या करते हैं? सूर्य का एक अंश ही तो दीप के माध्यम से रश्मि ज्वाला के रूप में अभिव्यक्त है ना। सूर्य के अंश को निवेदित कर देते हैं तो सूर्य की आरती उतार ली जाती है, सूर्य का सत्कार हो जाता है। अभिप्राय संसार लुढ़कते पुढ़कते हम तक किस रूप में पहुंचता है? ज्ञान होकर ही पहुंचता है। देवताओं की अपेक्षा भी जीव का भोग्य बहुत सूक्ष्म है। जीव प्रज्ञा का भोक्ता होता है, ज्ञान ही हम तक पहुंचता है। हम ज्ञान स्वरूप हैं और ज्ञानाभास ही हम तक पहुंचता है, अर्थात संसार लुढ़कता पुढ़कता ज्ञान होकर ही हम तक पहुंच सकता है। जैसे सूर्य ही दीपक के रूप में प्रस्तुत होते हैं और व्यक्ति दीपक दिखाकर सूर्य की आरती करता है, शब्द ज्ञान स्पर्श ज्ञान रूपक ज्ञान रसक ज्ञान गंधक ज्ञान विशेष से भूत जो ज्ञान है वही जीव का भोग होता है। इसलिए भगवान शंकराचार्य महाभाग ने एक अद्भुत तथ्य उद्भाषित किया, भाषियों के माध्यम से, जीव प्रज्ञा का भोक्ता होता है, विषय का भोक्ता नहीं। शब्द ज्ञान जब कहेंगे, रबड़ी का ज्ञान, मालपुआ का ज्ञान, सकचंदन वनिता का ज्ञान, शब्द ज्ञान स्पर्शक ज्ञान रूपक ज्ञान रसक ज्ञान गंधक ज्ञान, तब विशेष कोटि प्रविष्ट जो ज्ञान है वही जीव के सन्निकट है। विषय तो पराक है, बाह्य ज्ञान प्रत्यक्ष। मैंने बोल दिया ये सब तो आजकल बड़ा दुर्लभ है, कथावाचकों के कारण श्रोता का स्तर भी बहुत नीचे हो गया। तो हमने संकेत किया कि
हम तक आप तक पहुंचता क्या है, इस पर विचार करना चाहिए। या संसार लुढ़कता पुढ़कता हम तक वही हो जाता है जो हमारा स्वरूप है। हम ज्ञान स्वरूप हैं तो ज्ञान होकर ही संसार, प्रज्ञा होकर ही संसार, बोध होकर ही संसार हमारा भोग्य होता है। शब्द का पर्यवसान शब्द ज्ञान में, पंचदशी पहला प्रकरण। स्पर्श का पर्यवसान स्पर्शक ज्ञान में, रूप का पर्यवसान रूपक ज्ञान में, रस का पर्यवसान रसक ज्ञान में, गंध का पर्यवसान गंधक ज्ञान में होता है। ज्ञान ही हमारा भोग्य होता है, प्रज्ञा के ही हम भोक्ता होते हैं। एक बार मैं पुरी में प्रवचन कर रहा था, राजस्थान परंपरा के सोमगिरी संभवतः नाम है, पश्चिम बंगाल रानीगंज या कहाँ से पढ़ने के लिए आए पहली बार, वो दर्शन शास्त्र में एमए थे। जब मैंने कहा देवता घ्राण भक्ष होते हैं, तब उनको बहुत कष्ट हुआ। उस समय भी वो मेरे ख्याल में 35 या 40 वर्ष के रहे होंगे, और उन्होंने कहा मेरा जीवन आपने व्यर्थ कर दिया। इस शब्द को सुनकर कब तक किसके जीवन में बालकांड चलेगा नहीं कह सकते। अभी वो सोमगिरी मिले थे तो हमने कहा अब लगता है कुछ सयाने हुए हो, 55 साल के लगभग हो गए, तब 45 साल से 50 साल तक बालकांड ही चल रहा था। हमको आश्चर्य हुआ कि कोई गाली है क्या, जीव प्रज्ञा का भोक्ता होता है यह भी नहीं मैंने कहा। मैंने कहा देवता घ्राण भक्ष होते हैं, शास्त्रों में लिखा है, किसको कौन सी गाली लग जाए बात कह नहीं सकते। उसने तो रोना शुरू कर दिया बच्चे के समान, मेरा जीवन व्यर्थ कर दिया आपने। हमने कहा क्या किया भाई, तुमसे रुपया मांगा क्या मांगा, मठ में हो भोजन करते हो कमरा दिया गया, कोई फीस नहीं ली जाती किसी से, तुम्हारा जीवन मैंने कहाँ से व्यर्थ किया ये बताओ। मैंने बुलाया नहीं अपनी ओर से, तुम्हारे गुरुजी ने तुमको हमारे पास पढ़ने के लिए भेजा। आपको नहीं मालूम है मैं राजस्थान परंपरा का हूँ, तो मैंने कहा इससे क्या हो गया, पापड़ हमको बहुत पसंद है, तुमने कहा इससे क्या हो गया, पापड़ को चबाने पर उसका स्वाद मिलेगा ना, आपने कहा देवता घ्राण भक्ष होते हैं तो सूंघ करके मरूं भूखे आपके नाम पर। हमने कहा रे राम, ये दर्शन शास्त्र से हमें पास है, आयु 40 वर्ष की कम से कम है गोद का बच्चा ही। उसको ये गाली लग गई, बताइए देवता घ्राण भक्ष होते हैं। उसने कहा कि देवता घ्राण भक्ष होते हैं तो नाक से सूंघ करके देवताओं को तृप्ति हो जाती है, आज से आप भी नाक से सूंघ करके तृप्त हो जाइए, भोजन बंद आपका। मैं तो मर गया, मेरा जीवन नष्ट कर दिया आपने। हमने कहा रे राम, ऐसे ऐसे भी विचित्र लोग होते हैं, देवता घ्राण भक्ष होते हैं। हमने कहा अभी तो सुना तुमने क्या, देवता से भी ऊपर स्थान जीव का है अगर जीव सावधान रहे तो। विषय करण सुर जीव समेता जग सकल एकते एक सचेता, सबकर परम प्रकाशक जोई, राम अनादि अवध पद सोई। जहाँ हम जीव हैं आसन से मत डोल रहे तुहे पिय मिलेंगे, अगर अपने स्वरूप से स्खलित न हो, अपने स्वरूप के अनुरूप ही अपनी मान्यता को पाल के रखें, तो जहाँ हम जीव हैं वहाँ हमारा स्थान कौन है। शब्दादि विषयों की अपेक्षा श्रोत्राधिकरण का अधिक महत्व होता है। विषय करण सुर करण की अपेक्षा उसके अनुग्राहक देव का अधिक महत्व होता है, देवताओं की अपेक्षा भी जीव का अधिक महत्व है। कैसे,
विषय के भेद से, परसों भी मैंने कहा था, विषय के भेद से करण में भेद होता है, करण के भेद से उनके अनुग्राहक देवताओं में भेद होता है, देवताओं के भेद से भी जीव में भेद नहीं होता। अपने एक जीवन में विषय भिन्न भिन्न हैं, कारण भी भिन्न भिन्न हैं, देवता भी भिन्न भिन्न हैं, लेकिन जीव एक है। विषय के भेद से कारण में भेद की प्राप्ति नहीं होती, कारण के भेद से विषय के भेद से कारण में भेद की प्राप्ति होती है, लेकिन जीव में भेद की प्राप्ति नहीं होती। कारण के भेद से देवताओं में भेद की प्राप्ति होती है, लेकिन जीव में भेद की प्राप्ति नहीं होती। विषय करण सुर जीव समेता सकल एकते एक सचेता। विषय उद्भासित होते हैं करण से, करण उद्भासित होते हैं अधिदैव से, अधिदैव भी उद्भासित हो जाते हैं जीव से। जहाँ जीव अपने आप में स्थित है वहाँ देवताओं से ऊंचा क्यों है, इसका अर्थ नहीं कि आज से देवताओं की पूजा बंद कर दें, अब देशानंद जी की तरह सबको विसर्जन कर दें मोदी जी के कहने पर देवी देवताओं को, कहीं उनको कोरोना न लग जाए। हमने क्या कहा, जहाँ जीव है वहाँ विचारना चाहिए, जीव ही कर्म और उपासना की प्रगल्भता से या समुचित अनुष्ठान से, कर्म और उपासना के समुचित अनुष्ठान से जीव ही देवता बनता है। ये जो इंद्रादि देव हैं, कोई जीव ही तो इंद्रादि देवों के रूप में है ना। एक काल में एक जीव इंद्र है, कभी एक जीव ब्रह्मा भी हो जाता है। आजकल जो ब्रह्मा जी के पद पर हैं, कभी वो अखंड भारत में सतकुल में मांत्रिक याग में अधिकृत थे, उन्होंने प्रजापत की आराधना की यज्ञ के माध्यम से, जिसके फलस्वरूप वे आज ब्रह्मा जी के पद पर प्रतिष्ठित हैं। ब्रह्मलोक तक ही नहीं, ब्रह्मा जी तक जीव की गति है कर्म और उपासना के द्वार से। तो हमने कहा, संकेत किया, देवता भी कोई जीव ही बनता है। जब हम मनुष्य हैं, मानव शरीर में तादात्म्यपन्न है, मानव शरीर से एकीभूत हैं, अच्छा, तब देवता हमसे उत्कृष्ट हैं। जब हम अपने स्थान पर हैं तब हमसे उत्कृष्ट कौन होंगे, जगदीश्वर। विषय से उत्कृष्ट करण, करण से प्रत्यक अधिदैव, अधिदैव से प्रत्यक जीव। विषय करण सुर जीव समेता, जीव से प्रत्यक हो गए कौन, जगदीश्वर। और अंत में जीव जगत जगदीश्वर का मौलिक स्वरूप ब्रह्म है, वही सब तीनों रूपों में अभिव्यक्त है। विशुद्ध सत्व के योग से परमात्मा ही जगदीश्वर है, मलिन सत्व गुण के योग से परमात्मा ही जीव है, तमः प्रधान प्रकृति के द्वार से परमात्मा ही जगत है। एक परमात्म तत्व को उसके समाश्रित त्रिगुणमयी प्रकृति या माया जीव जगत जगदीश्वर तीनों रूपों में अभिव्यक्त करती है। तो आसन से मत डोल रहे तुहे पिए मिलेंगे, आसन से मत डोल रहे का अर्थ क्या हुआ, मेरा भाई ने क्या कहा, जहाँ जीव है उसका आसन क्या है, अपना विषय से ऊपर, विषय रूप आसन पर करण विद्यमान, करण रूप आसन पर कौन समासीन, देवता, और देवता रूप आसन पर कौन विद्यमान है, जीव। जैसे तख्त हो उसके ऊपर एक आसन, फिर एक आसन, फिर एक आसन, फिर बैठने वाला बैठ जाए, ऐसे ही विषय रूप सिंहासन पर करण विद्यमान है, करण रूप सिंहासन पर अधिदैव विद्यमान, अधिदैवों अधिदैव रूप सिंहासन पर जीव विद्यमान है, और जीव के नियामक जगदीश्वर जीव रूप सिंहासन पर विद्यमान है। और अंत में विचार करने पर विषय करण सुर जीव और जगदीश्वर का मौलिक स्वरूप सच्चिदानंद तत्व ही सिद्ध है।
अब हम लोग क्या करें, जो भावना आती है बता देते हैं, ज्ञान का स्तर है तो श्रोताओं को भी सावधान होना ही पड़ता है, समझते समझते समझ जाते हैं, बौद्धिक स्तर बढ़ता है, साधना में भी प्रीति प्रवृत्ति होती है। तो हमने संकेत किया ये सब जो भवतारक ज्ञान हैं। एक बार एक ने मेरे प्रवचन सुनकर समीक्षा की 28-29 साल पहले, यह बात समझ में नहीं आती जो आप कहते हैं। हमने कहा भी तो मनुष्य हो ना, अभी इन बातों को समझने का प्रयास नहीं करोगे तो 1 अरब वर्ष बाद सही, यह कैसी घाटी है जिसको तो पार करनी ही होगी, अभी सावधान हो जाओ। इस ज्ञान के बिना तो भवसागर से कोई तर नहीं सकता है, अंत में यह आध्यात्मिक ज्ञान तो प्राप्त करना ही होगा। इसीलिए आसन से मत डोल रहे तो है पिय मिलेंगे। तो क्या निरूपण चल रहा था, देवता घ्राण भक्ष होते हैं, आप देवताओं को भोग लगाते हैं तो जो कुछ सामग्री भोग लगाते हैं अगर देवता उस सामग्री को खा लें तो आप भूखे रहे। क्या भगवान शंकराचार्य बाल गोपाल थे ना, तो घर में भोग लगाया गया भगवान को, श्री कृष्ण उनके इष्टदेव कुलदेव भगवती को भोग लगाया गया तो उन्होंने कहा सब मत खा जाना, कुछ हमारे लिए भी छोड़ना। इसका अर्थ क्या है, देवता घ्राण भक्ष होते हैं, अगर देवता जो कुछ भोग लगावे खा लें तो। एक महात्मा ने दम्भ किया, वृंदावन की बात सच्ची, पर्दा लगा दिया, विविध प्रकार के व्यंजन 56 भोग बनाए गए, एक बिल्ली पाल के रखा था। वो इधर उधर सामग्री सब कर दे, अब बिल्ली बहुत चतुर पाली हुई थी, उधर भगा दी जाए। अंत में पर्दा खोला जाए तो वस्तु इधर से उधर, सब कहें भगवान यहाँ भोग लगाते हैं। मैंने पदयात्रा की दक्षिण की, एक पर्वत के पास गिद्ध को पाल रखा था एक व्यक्ति ने, गिद्ध इतना चतुर था, गृध क्षेत्र तीर्थी उसका नाम पड़ गया, पर्वत पर वो गिद्ध रहते थे दो, और इतने इतने बड़े मटके में खीर बना के रखा जाता, वो गिद्ध आ करके पाके चले जाते, तो लोगों को कहा जाता ये भगवान जो है गिद्ध का रूप धारण करके आके पाके चले जाते। अब वो लाखों रुपए की वहाँ आमदनी रोज की थी, वो गिद्ध वो पाले हुए थे, वो पर्वत पे जाके छिप जाते थे, समय आने पर वो खीर पाने के लिए आ जाते थे। इसका मतलब दम्भ की बात अलग है, देवता घ्राण भक्ष होते हैं, घ्राण भक्ष माने सूंघ करके ही देवताओं को तृप्ति मिल जाती है। अब तक के प्रवचन का सार निकला, करणाधिप जो कर्णों के एक एक करण के श्रोत्र के प्रकाशक जैसे दिक हैं, त्वक के प्रकाशक जैसे वायु हैं, नेत्र के प्रकाशक जैसे सूर्य हैं, रसन के प्रकाशक जैसे वरुण हैं, नासिका के प्रकाशक कौन है, अश्विनी कुमार, अश्विनी कुमार ये 2 भाई हैं, एक को बुलाओ तो दोनों आ जाएंगे। अश्विनी कुमार 2 हैं, नाम उनका क्या है, नासत्य और दस्त्र। अश्विनी कुमारों का नाम उपनिषद और महाभारत के अनुसार क्या है, नासत्य और दस्त्र, आपने पहली बार शायद सुना हो। अश्विनी कुमार 2 हैं, उपनिषदों के अनुसार महाभारत के अनुसार उनका नाम है नासत्य और दस्त्र, अश्विनी कुमार। महाभारत में चर्चा है कुंती देवी को दुर्वासा जी ने, जब कुंती का नाम प्रथा था, बालिका थी, कुंती भोज के यहाँ पाली गई थी, दुर्वासा ऋषि आ गए, मैं तुम्हारे यहाँ चौमासा करूँगा। कुंती भोज ने कहा अहोभाग्य हमारे यहाँ चातुर्मास कीजिए। दुर्वासा ने कहा भांग पी के बोल रहे हो,
मैं कौन हूँ पता है? हाँ महाराज, आप दुर्वासा। बात की बात में क्रोधित हो जाता हूँ, शाप दे देता हूँ। बहुत से राजाओं के पास मैंने जाके कहा, क्या कहा? चातुर्मास में तुम्हारे यहाँ निवास करना चाहता हूँ। सबने हाथ जोड़ दिया, एक भी भूल हुई तो महाराज साफ दे दोगे, नष्ट कर दोगे, कृपा करके हमारे यहाँ चौमासा मत करो। अब मैं तुम्हारे यहाँ आया हूँ, मैं दुर्वासा हूँ, दुर्वासा। बात की बात में क्रोधित होकर साफ देता हूँ, जलना भूलना हो, शापित होना हो तो मुझे निमंत्रण दो। उन्होंने कहा, महाराज विराजो संतो महापुरुषो, महाराज ऐसी कोई परिस्थिति उत्पन्न नहीं होगी कि आपको क्रोध करना पड़े। फिर भी समझ लो मैं दुर्वासा हूँ, बात की बात में शाप दे देता हूँ, क्रोधित हूँ, मेरे नखरे को सहन कर पाना बड़ा कठिन है। तुम यह बताओ किसके बल पर मुझे कह रहे हो चौमासा कीजिए? आखिर मेरी सेवा कौन करने के लिए तैयार है? देखिए वैसे नहीं, पांच पांडव आ गए, कुंती माद्री के यहाँ पांच पांडव आ गए, वैसे नहीं। ये देवता वैसे नहीं अवतार ले लेते हैं किसी के गर्भ से, भगवान वैसे ही प्रकट हो जाते हैं किसी के गर्भ से। बहुत दिव्यता हो तो, कुंती में कितनी दिव्यता थी। बचपन का नाम था पृथा, कुंती का। उन्होंने कहा कि मेरे यहाँ एक बालिका है, किशोरी है, वो आपकी सेवा करेगी दुर्वासा जी, कभी भी कुपित होने का आपको अवसर नहीं मिलेगा। अच्छा, तो देखो मैं शाप भी दे सकता हूँ, बहुत क्रोधी हूँ, इस बालिका के बल पर तुम कह रहे हो, ठीक है, बालिका सेवा करेगी। हाँ महाराज, मुझे कुपित होने का अवसर मत देना, ठीक है। महाराज आज ने क्या कहा? आज मुझे खीर पानी है। अच्छा जी, खीर बनना शुरू हो गए। कब कहा? दिन के 9 बजे। मैं घूम फिर के आता हूँ, रात के 1 बजे आए, खीर तैयार है। हाँ महाराज तैयार है। बनावे पुराने खीर धर कर दे, फिर बनावे, फिर बनावे। कभी 3 दिन बाद आवे, कभी 2 दिन बाद आवे, लेकिन वो बिला झुंझलाए। यहाँ तक कहा था दुर्वासा जी ने, मन में भी अगर भाव आ गया किससे पाला पड़ गया तो मैं साफ दे दूंगा, मैं अंतर्यामी भी हूँ। दुर्वासा जी को कहीं भी साप देने का अवसर नहीं प्राप्त हुआ। कुंती प्रथा में इतनी तितिक्षा थी, मन में भी उसको नहीं हुआ कि पिताजी ने किसकी सेवा में सौंप दी। यह धैर्य की पराकाष्ठा है नहीं, कुंत के समान, भाले के अग्रभाग के समान, जिसकी बुद्धि सूक्ष्म हो वो कुंती। तो फिर जो शक्ति संपन्न महात्मा होते हैं, जहाँ वो मारक होते हैं वहाँ तारक भी हो जाते हैं, जो मारक होता है वो तारक भी होता है, जो तारक होता है वो मारक भी होता है। उन्होंने कहा, बेटी तुम्हारी तपस्या से मैं रीझ गया, तुम्हारे मन में भी किसी प्रकार के झुंझलाहट की प्राप्ति नहीं हुई। मैंने बहुत प्रयास किया कि तुम कुपित हो जाओ या मन ही तुम्हारा झुंझला पड़े, मन से ही तुम वेदना युक्त हो जाओ। लो तुम पर कृपा करके मैं एक मंत्र देता हूँ। मंत्राधीन देवता होते हैं, देवताओं का कारण शरीर मंत्र होता है, देवताओं का सूक्ष्म शरीर तंत्र होता है, देवताओं का स्थूल शरीर यंत्र होता है। 1000 तंत्रों के ग्रंथ का अध्ययन कीजिए, सबका सार यही निकलेगा। देवता कौन होते हैं? मंत्राधीन होते हैं। मंत्र देवताओं का कारण शरीर होता है, तंत्र देवताओं का सूक्ष्म शरीर होता है, श्री यंत्र आदि यंत्र देवताओं का स्थूल शरीर होता है। हमारा आपका स्थूल शरीर भी यंत्रात्मक है, यंत्र रूप है या नहीं? सूक्ष्म शरीर हमारा आपका तंत्रात्मक है, कारण शरीर हमारा आपका
मंत्रात्मक है, हम आप जहाँ जीव हैं आसन से मत डोल रहे, वहाँ पर यंत्र तंत्र मंत्र से भी ऊपर हैं। वैखरिक वाक की सिद्धि वाकिंद्रिय के द्वारा होती है। वाकिंद्रिय जब मन से एकीभूत हो जाए तो मनोगत वाकिंद्रिय के माध्यम से जो मंत्र अंतस्फुरित होता है, उच्चरित होता है, मध्यमा वाक, अंतस्निविष्ट वाकिंद्रिय सहित मन जब बुद्धि से एकीभूत हो जाए तब पश्यंती वाक की सिद्धि होती है। उपनिषदों के अनुसार वाक के द्वारा योगी देखते हैं, पश्यंती भोगी आँखों के द्वारा देखते हैं, योगी वाक के द्वारा देखते हैं। महाभारत में इसकी बृहद चर्चा है। भोगी आँखों के द्वारा देखते हैं, योगी वाक के द्वारा देखते हैं। योगी जिस वाक से देखते हैं, त्रिकालज्ञ होते हैं, उसका नाम है पश्यंती वाक्य वाक्य पश्यंती वाणी वाक पश्यंती। फिर वो जो बुद्धि है वो अव्यक्त भावापन्न हो जाए, आत्म चैतन्य से अधिष्ठित अव्यक्त भावापन्न बुद्धि हो जाए तो परावाक की सिद्धि होती है। हमने संकेत किया परावाक भी जिससे उद्भासित है, मध्यमा वाक भी जिससे, पश्यंती वाक भी जिससे उद्भासित है, मध्यमा वाक भी जिससे उद्भासित है, वैखरी वाक भी जिससे उद्भासित है, वो आत्मा स्वप्रकाश है। अब तक के प्रवचन का सार क्या निकला? जीव अपने आसन से न डोले तो विषय की अपेक्षा करण उद्दीपक हैं, विषयों का उद्दीपन करण ग्राम के द्वारा होता है। करण उद्दीप्त होते हैं देवताओं के द्वारा, देवता उद्दीप्त होते हैं जीव के द्वारा। देवता हमसे बड़े हैं कब? जब हम मनुष्य भावापन्न हों, पशु भावापन्न हों, तब पक्षी भावापन्न हों, वृक्ष भावापन्न हों, स्थावर भावापन्न हों, जंगम भावापन्न हों, देवता हमसे उत्कृष्ट हैं। यदि हम जीव भावापन्न ही हैं तो देवता हमसे अवर हैं, क्योंकि कोई जीव ही देवता को प्राप्त करता है, देव भाव को प्राप्त करता है। आज जो ब्रह्मा जी के पद पर हैं, कभी जीव थे, मर्त्यलोक में मनुष्य थे, उन्होंने प्रजापति के निमित्त याग विशेष का आलंबन लिया, जिसके फलस्वरूप वे ब्रह्मा जी के पद पर प्रतिष्ठित हैं। तो जीव देवता का श्री विग्रह धारण करता है। देवता का विग्रह कैसा होता है? श्रीमद्भागवत सप्तम स्कंध, द्रव्य सूक्ष्म विपाकात्मक, विपाक माने फल, द्रव्य सूक्ष्म विपाकात्मक देवता का विग्रह होता है, पारिभाषिक शब्द है। इंद्राय स्वाहा इदम इंद्राय नमः। देवता के उद्देश्य से कस्मै देवा यह विसाविधेवा, देवता के उद्देश्य से जब हवनी सामग्री निक्षिप्त करते हैं विधिवत तो देवता पुष्ट होते हैं। कस्मै देवाय, जो सामग्री उनके निमित्त हम हवन कुंड में विधिवत डालते हैं, वो सामग्री देवता के उचित आहार बनकर देवता को प्राप्त होती है। चंदन का टुकड़ा और क्या, पलाश आदि के काष्ठ, तिल, जौ, यही सब देवता पाएंगे क्या? हमको भी हवन की सामग्री दे दी जाए, पेट पर भर लो, खा के चंदन चबाएंगे, पलाश की लकड़ी चबाएंगे क्या? लेकिन मंत्र के बल पर, विधि के बल पर, मंत्र के बल पर, विधि के बल पर क्या होता है? देवान्न बन करके वो सामग्री देवता को प्राप्त होती है। जब कोई व्यक्ति अपने पिता पितामह आदि के लिए, दिवंगत या देहत्याग कर चुके पिता पितामह आदि के लिए पिंडोदक क्रिया का विधिवत अनुष्ठान करता है, आलंबन लेता है,
उसके पितर जिस योनि में होते हैं उस योनि का आहार बनकर वो सामग्री उनको प्राप्त होती है। और अंत में भोजन करी तृप्ति तो लागी, मत्स्य पुराण के अनुसार कह रहा हूँ, तुलसीदास जी ने लिखा भोजन करी तृप्ति तो लागी, भोजन का अंतिम फल है तृप्ति। श्रीमद् भागवत के एकादश स्कंद के अनुसार, हमारी अनुभूति के अनुसार, भूख की निवृत्ति, देहेंद्रीय प्राणांतःकरण की पुष्टि और तृप्ति भोजन के तीन फल हैं। एक बिहार के महात्मा थे, ऋषिकेश में रहते थे, साल में संभवतः एक बार भी भात उन्हें नहीं मिल पाता था, रोटी। एक दिन हमसे एकांत में कहा, आत्मानंद उनका नाम था, आत्मानंद जी ने कहा देखो एक साल में संभवतः एक दिन चावल मिलता हो, वो भी नहीं मिलता है, बाबा हूँ, मांग तो कर नहीं सकता, भूख तो मिट जाती है रोटी खाने से, तृप्ति नहीं होती। कौन है अपने यहाँ बाबा? राम का नाम है, जयराम जी हमारे यहाँ कर्नाटक के महात्मा हैं, एक कमंडल छोटा सा रखते हैं, कहीं ना कहीं से दूध की व्यवस्था करके उसमें जामुन डाल के दही बना लेते, खांसी भी उनको है, दही ना मिले तो कुछ नहीं। दक्षिण में क्या है, इमली ना मिले और दही ना मिले, भट्ठा ऐसे टट दम, तो वे क्या करें, वो पड़ गए इधर हम लोगों के पास हैं, कहीं ना कहीं से दही के जोगाड़ अवश्य कर लेते हैं, दही पेट में जाने से भले खांसी और बढ़ जाए, इतना परहेज करते रात में दही नहीं पाते, तृप्ति नहीं मिलती। तो बिहार के महात्मा ने हमसे कहा देखो पेट तो भर जाता है, भूख की निवृत्ति हो जाती है, पुष्टि भी हो जाती है, तृप्ति नहीं मिलती। भोजन करी तृप्ति तो लागी, भोजन का अंतिम फल है तृप्ति। तो जो पितर जिस योनि में हैं उनके निमित्त जब पिंडोदक क्रिया का संपादन होता है तो मत्स्य पुराण के अनुसार वो सामग्री तृप्ति के रूप में उनको प्राप्त हो जाती है, उससे तृप्त हो जाते हैं पितर। देवता हो गए घ्राण भक्ष, सूंघ कर ही देवता तृप्त हो जाते हैं। और हम आप जो जीव हैं आसन से मत डोल रहे, मनुष्य हैं तो देवता से अवर हैं ही, और अगर जीव हैं उसी स्थान पर बैठे रहें तो हाँ दम्भ नहीं चलेगा, वहाँ दम्भ नहीं चलेगा। एक विचित्र बात, भगवान भी अगर अवतार लेते हैं लीला पूर्वक, मनुष्य होते हैं, जैसे श्री कृष्ण भगवान, इंद्र आ जाएं, अग्नि आ जाएं, कहेंगे श्री कृष्ण वर बोलो, वर मांगो, श्री कृष्ण भगवान ऐठा कर नहीं दिखा सकते, ये नहीं कह सकते कि तुम हमको वर दोगे, मालूम है मैं पूर्ण परमात्मा का अवतार हूँ ना, नरलीला कर रहे हैं श्री कृष्ण भगवान, नरलीला कर रहे हैं, देवता की उपासना भी करते हैं और देवता वर मांगने को कहें तो मना नहीं कर सकते, हो भाग्य मानते, भले ही वो परमात्मा हैं, देवता भी जानते हैं कि हमारे भी नियामक, लेकिन जब मनुष्य रूप में अवतीर्ण होते हैं तो देवता वरदाता बन जाते हैं, भगवान रामकृष्ण भी वर पाने वाले बन जाते हैं, वहाँ व्यक्तित्व नहीं दिखाना पड़ता क्या वहाँ। तो अगर जीव अपने आसन से न डोले तो जीव का आहार क्या है, इसी विषय को आज हमने प्रारंभ किया। भगवान शंकराचार्य ने लिखा जीव प्रज्ञा का भोक्ता होता है, ज्ञान ही हमारा भोग्य है, प्रज्ञा माने ज्ञान, शब्द ज्ञान में शब्द हमारा भोग्य नहीं होता, शब्द की अपेक्षा प्रत्यक्ष अंतरंग ज्ञान ही हमारा भोग होता है, स्पर्शक ज्ञान में ज्ञान ही हमारा भोग होता है, रूपक ज्ञान में रूप ज्ञान ही हमारा भोग्य होता है, रसक ज्ञान में ज्ञान ही हमारा भोग्य होता है, गंधक ज्ञान में ज्ञान ही हमारा भोग्य होता है, और गंधक ज्ञान में ज्ञान ही हमारा भोग्य होता है, दुख न व्यापे इसके मैं सांकेतिक ढंग से एक विधा बताता हूँ, दुखक ज्ञान में ज्ञान को भोग्य बनावेंगे तो दुख से पारंगत रहेंगे,
और दुख को अपने साथ बांट लेंगे, मैं दुखी हूँ तो दुख दुख देगा। दुख के माध्यम से भी बहुत विचित्र बात, ध्यान देकर सुनिए, काला कलूटा दर्पण हो तो हमारा मुखचंद उसमें प्रतिफलित नहीं हो सकता। लेकिन यहाँ एक विचित्र बात है, शब्द भी, स्पर्श भी, रूप भी, रस भी, गंध भी, सुख भी, दुख भी, मोह भी, अष्टधा प्रकृति की अभिव्यक्ति की दृष्टि से मैंने आठ का नाम लिया, शब्द भी, स्पर्श भी, रूप भी, रस भी, गंध भी, सुख भी, दुख भी, मोह भी, यहाँ तक कि अज्ञान भी, ऐसा दर्पण, ऐसे दर्पण हमको प्राप्त हैं किसी के माध्यम से भी, इनमें किसी को भी दर्पण बनाकर हम अपने आत्मस्वरूप का दर्शन कर सकते हैं। अपने मुखचंद्र का दर्शन करने के लिए दर्पण चाहिए, दर्पण में लागी काई तो दर्श कहाँ ते पाई, मुकुर मलिन पुनि नयन विहीना, राम रूप देखें किम दीना। बहुत अच्छा, गए गुजरे दीन हीन कंगाल कौन है, अरब रुपये भी किसी के पास हों लेकिन गए गुजरे दीन हीन कंगाल वो सिद्ध हो सकते हैं, दो रोटी की व्यवस्था ना हो लेकिन वो भी कंगाल नहीं सिद्ध हो सकता। दीन कौन है, मुकुर मलिन चेतो दर्पण मार्जनम, चित्त रूपी मुकुर माने दर्पण मलिन है, और नयन विहीना विवेक और भक्ति रूप नेत्रों से हम रहित हैं, वैराग्य रूप दर्पण में प्रतिफलित, वैराग्य भावापन्न चित्त रूप दर्पण में प्रतिफलित जो हमारा स्वरूप है, भक्ति और विवेक रूपी आँखों से उसका दर्शन हो सकता है। मुकुर मलिन पुनि नयन विहीना, मुकुर मलिन पुनि नयन विहीना, राम रूप देखें किम दीना। पूज्य गुरुदेव धर्म सम्राट प्रातः स्मरणीय श्री कर्पात्री जी महाभाग ने काशी में प्रवचन के समय एक बार कहा, मुझे बहुत प्रसन्नता हुई। उन्होंने कहा कि मुकुर मलिन पुनि नयन विहीना, चैतन्य महाप्रभु ने कहा चेतो दर्पण मार्जनम श्री कृष्ण संकीर्तनम, दूसरे का मुख देखने के लिए नेत्र ही पर्याप्त होते हैं, दर्पण की आवश्यकता नहीं होती। अपना मुखचंद्र देखना हो तो दर्पण की आवश्यकता होती है। चेतो दर्पण मार्जनम, गौड़ी संप्रदाय के महानुभावों को हो, चैतन्य महाप्रभु के द्वारा विरचित यह जो श्लोक है उसके आधार पर उनका सिद्धांत क्या सिद्ध होता है विचार करना चाहिए। उनकी दृष्टि में अगर श्री कृष्ण साक्षात प्रत्यगात्मा सिद्ध न होते तो श्री कृष्ण के दर्शन के लिए नेत्रों का वर्णन करते, दर्पण का वर्णन नहीं करते। दर्पण की आवश्यकता तो अपने मुखचंद्र को देखने के लिए होती है ना, दूसरे के मुखचंद्र को देखने के लिए दर्पण की आवश्यकता नहीं होती। चेतो दर्पण मार्जनम मुकुर मलिन पुनि नयन विहीना, राम रूप देखें किम दीना। जगत में वे दीन हैं, हीन हैं, कंगाल हैं, जिनका चित्त रूपी दर्पण मलिन है और भक्ति तथा बोध रूपी नेत्रों से जो विहीन हैं। तो भगवत दर्शन के लिए हमने कहा विषय रूपी आसन पर करण, करण रूपी आसन पर अधिदैव, अधिदैव रूपी आसन पर जीव विराजमान विराजमान, विषय की अपेक्षा करण, करण की अपेक्षा सुर उत्कृष्ट चेतना संपन्न हैं, लेकिन देवों में भी चेतना का संचार करने वाला स्वयं जीव है। कर्म और उपासना के फलस्वरूप जीव ही विविध करणानुग्राहक देवता के रूप में अवतीर्ण होता है। अब जीव का उपास्य कौन हो सकता है, तुलसीदास जी, विषय करण सुर जीव समेता सकल एक तेक से चेता, सब कर परम प्रकाशक जोई, राम अनादि अवधपति सोई।
जीव जिससे उद्भासित है वह स्वप्रकाश राम भजनीय है। जीव के भजनी देवता होंगे या जगदीश्वर, अगर जीव अपने को मनुष्य आदि मानता है तो देवता उसके भजनी हो जाएंगे। अगर जीव स्वयं को जीव ही मानता है तब जगदीश्वर ही उसके, हाँ ठीक है गीत गाओ, जगदीश्वर ही उसके भजनी हो सकते हैं। बढ़िया है, हमारी चाची गोद में बैठा कर भागवत कथा सुनाने ले जाती थी, बच्चे को लाना चाहिए, बढ़िया बच्चा भी शांत होकर सुन रहा है। चाची हमको गोद में बैठा के ले जाती थी, गांव पंडितों का था, भागवत कथा बहुत ऊंचे विद्वान न्यायाचारी करते थे, तो हम लोग गोद में बैठ के चाची की कथा सुनते थे भागवत, बहुत बढ़िया। बच्चों को संस्कार पड़ता है, हमने संकेत किया आसन से मत डोल रहे तो पिए मिलेंगे। जीव अपने आप में जहाँ है अगर वहीं रहे तो एकमात्र जगदीश्वर ही उसके लिए भजनी होंगे, लेकिन जब वो व्यवहार में आता है, मनुष्य भावापन्न है, मनुष्य शरीर में है, तो किसी देवता का अनादर न करे। स्वतः जब जीव है वो तो देवता से उत्कृष्ट है, जगदीश्वर ही जीव से एकमात्र उत्कृष्ट सिद्ध होते हैं। लेकिन जस काछिए चाह चाहिए तस चाहिए नाचा, मनुष्य शरीर में है तो देवता कोई भी हो वे हमसे उत्कृष्ट हैं। भगवान श्री कृष्ण भी नरलीला करते हैं, रामभद्र भी, तो देवता वर मांगने के लिए कहते हैं, श्री कृष्ण को अग्नि ने कहा वर मांग लो, तो ये नहीं कहा कि तुमसे मैं बड़ा हूँ, ठीक है। वहाँ पर जब हम नर भावापन हैं, लीला पूर्वक सही मनुष्य शरीर में तादात्म्य पत्ति है या मनुष्य शरीर से युक्त हैं, देवता हमारे लिए वरदाता हो जाते हैं। जहाँ हम अपने आप में जीव भावापन ही हैं तो देवता हमसे अवर होते हैं, फिर जगदीश्वर ही हमारे एकमात्र भजनीय होते हैं। विषय करण सुर जीव समेता सकल एकते एक सचेता, सबकर परम प्रकाशक जोई, राम अनादि अवधपत सोई, प्रकृति पार प्रभु सब उर्वासी। प्रकृति पार हैं भगवान, पृथ्वी जल तेज वायु आकाश पंचभूतों से अतीत, पृथ्वी की प्रकृति जल है, जल की प्रकृति माने उपादान, जल की प्रकृति अग्नि है, अग्नि की प्रकृति वायु है, वायु की प्रकृति आकाश है, आकाश की प्रकृति अव्यक्त है, और अव्यक्त की प्रकृति आत्मा है। वेदांत प्रस्थान में प्रकृतिश्च प्रतिज्ञा दृष्टान्तानुपरोधात्, परमात्मा का नाम प्रकृति है, प्रकृति की प्रकृति कौन है, अव्यक्त की प्रकृति कौन है, चरम उपादान कौन है, प्रकृति की प्रकृति कौन है, अव्यक्त की प्रकृति कौन है, अव्यक्त का अधिष्ठानात्मक उपादान कौन है, वही परमात्मा है। प्रकृति पार प्रभु, प्रकृति पार प्रभु का अर्थ है भगवान जो हैं अव्यक्त से भी सर्वोपादान, प्रकृति से भी अतीत हैं, उसके भी अधिष्ठानात्मक उपादान हैं, लेकिन सब उर्वासी। विशेषता क्या हुई, प्रकृति पार जो परमात्म तत्व है हमारे हृदय में प्रत्येगात्मा अंतरात्मा होकर विराजमान है, सर्व सर्वगत सर्व उरालय, सर्व सर्वगत सर्व उरालय, बहुत बढ़िया। व्यापक एक ब्रह्म अविनाशी सत चेतन घन आनंद राशि, अस प्रभु हृदय अक्षत अभिकारी, सकल जीव जग दीन दुखारी, नाम निरूपण नाम जतनते, सौ प्रकटत जीव मूल रतनते, बहुत बढ़िया। व्यापक एक ब्रह्म अविनाशी, ये सब तुलसीदास जी ने निर्गुण निराकार परमात्मा के लिए कहा। व्यापक एक ब्रह्म अविनाशी सत चेतन घन आनंद राशि, इसका अर्थ अद्वितीय सच्चिदानंद घन भगवान, घन सद घन चिद घन आनंद घन, सदअद्वैत चिदद्वैत आनंदाद्वैत अद्वितीय सच्चिदानंद,
व्यापक एक ब्रह्म अविनाशी सच्चेतन घन आनंद राशि असप्रभ हृदय अक्षत अविकारी, अविकारी माने निरुपाधिक धरातल पर निर्विकार ज्यों के त्यों, किसी प्रकार उनमें क्षति प्राप्त नहीं है, ज्यों के त्यों सदघन चिदघन आनंद घन स्वगत सजाति विजाति भेद शून्य अस्प्रभ हृदय अक्षत अविकारी सकल जीव जग दीन दुखारी। लेकिन मैंने कहा था 3 दिन पहले, बड़ी विचित्र बात है, दीपक तले अंधेरा, भगवान तो हैं सदघन लेकिन हमको मृत्यु का भय प्राप्त है, चिदघन जड़ता अज्ञता ना समझी मूर्खता के चपेट में पड़े हुए हैं, भगवान आनंद घन हैं और हृदय में ही हैं, प्रत्यगात्मा होकर भी विराजमान वे ही हैं, अंतर्यामी होकर भी विराजमान वे ही हैं, लेकिन हम त्रिविध तापों से संतप्त हैं, क्यों प्रकट नहीं किया। भगवान को प्रकट कीजिए, भगवान की विद्यमानता ही पर्याप्त नहीं है, प्रकट कीजिए। आरसीसी से के माध्यम से अग्नि को प्रकट करते हैं तब काम बनता है, सूर्य की रश्मि को अग्नि का रूप देते हैं तब वो रश्मि दाहक बन जाती, अन्यथा रूई का प्रकाशक बन जाती। और अगर हम अग्नि के रूप में सूर्यकांत मणि के माध्यम से सूर्य की रश्मि को प्रणत कर लें तो प्रकाशक ही नहीं दाहक भी बन जाता है सूर्य। तो प्रकट भगवान की विद्यमानता से तो सामान्य काम चलता है, अज्ञान भी उनसे प्रभाव प्रकाशित, काम भी क्रोध भी लोभ भी मोह भी, भगवान जो चित्त सामान्य हैं उनके प्रकाश से कोई कामक क्रोध लोभ आदि को खतरा नहीं है, वो प्रकाशित हैं, भगवान से ही ये सब प्रकाशित हैं। लेकिन प्रकाशित होने से काम नहीं चलेगा, भगवान को प्रकट करेंगे तो भगवान दाहक बन जाएंगे, प्रकाशक ही नहीं दाहक बन जाएंगे। रूई की रश्मि को जो प्रकाशित करती है सूर्य की रश्मि, उसे सूर्यकांत मणि के माध्यम से आरसी सीसा के माध्यम से प्रकट करके जब अग्नि का रूप दे देते हैं तो सूर्य की रश्मि फिर आग होकर जला भी देती है, इसीलिए भगवान को प्रकट करने की आवश्यकता है। नाम निरूपण, 4 दिन पहले कहा था मैं, नाम निरूपण नाम जतन्ते सौ प्रकटत जी मूल रतन्त, आत्मा वारे द्रष्टव्य श्रोतव्यो मंतव्यो निधिध्यासितव्य, इसी का अनुवाद है बृहदारण्यक का। निरूपण श्रवण मनन से युक्त हो जाए तो निरूपण होता है, श्रवण मनन एक कालावच्छेदन अंतःकरण निष्ठ हो जाए संवेत हो जाए तब उसका नाम होता निरूपण। निरूपण कह के तुलसीदास जी ने श्रवण मनन को क्या किया, संवेद कर दिया, एकत्रित कर दिया। कितना बढ़िया, कितनी सूक्ष्म बुद्धि होगी तुलसीदास जी के कि श्रवण मनन का नाम न लेकर निरूपण का नाम लिया। निरूपण का अर्थ होता है श्रवण मनन दोनों, श्रुत जो तत्व है वो मत भी हो जाए तो निरूपण होता है। नाम निरूपण नाम जतन्ते निधिध्यासितव्य, नाम जतन्ते बार बार यत्न पूर्वक, बार 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 बार, तो फिर क्या होगा, सौ प्रकटत जे मूल रतन्ते, वो नाम अभिव्यंजक बन जाएगा भगवत तत्व का, नाम का पर्यवसान तत्व ज्ञान में हो जाएगा। तो हमने संकेत किया जगत को मिथ्या मानने से हानि है या लाभ, हमने एक दिन विषय उठाया था। तो दो चीज़ ऐसी है कि भक्तों को उस पर विचार करना चाहिए, भेदवादी जो भक्त हैं उनका भी समादर है, सत्य सहिष्णुता की क्रमिक अभिव्यक्ति में द्वैत विशिष्टा द्वैत आदि का महत्व है, मैंने एक दिन विस्तार पूर्वक इस पर व्याख्यान दिया। लेकिन थोड़ा विचार कीजिए, यदि भगवान आत्मीय होकर ही रह जाएं, हम उनको आत्मा स्वरूप न समझें, तो अपनी अपेक्षा भगवान न्यून प्रीति के विषय बनेंगे, और कहीं भगवान जीवत्व को छेड़ देंगे तो हम मरने मारने के लिए तैयार हो जाएंगे, दैहों
साप के बढ़ियों जाही जगत मोरी उपहास कराई। इसलिए भक्ति की पूर्णता तत्व ज्ञान में, भगवान आत्मी ही नहीं आत्मस्वरूप भी हैं ऐसा बोध होने पर भी पर प्रेमास्पद सिद्ध हो सकते हैं। नहीं तो अपनी अपेक्षा पूज्य गुरुदेव के शब्दों में किंचन न्यून प्रीति के विषय भगवान बने रहेंगे। तो एक बात क्या हुई, भगवान आत्मी ही नहीं आत्मस्वरूप होकर भी प्रेम पात्र हैं। भगवान को आत्मी समझकर प्रेम करेंगे तो पूर्ण प्रेम के विषय भगवान नहीं होंगे, भगवान की अपेक्षा प्रीति का पलड़ा आत्मा की ओर ही झुका होगा। दूसरी बात है कि जगत को मिथ्या मानने से हानि है या लाभ। भगवान नाम की सर्वाधिक महिमा तब प्रकट होती है जब ब्रह्म का विवर्त हम जगत को समझते हैं। क्या, फिर से सुनिए, भगवान को आत्मा समझने की आवश्यकता इसलिए है, यदि हम भगवान को आत्मी ही समझेंगे तो हमारे भगवान हमारी अपेक्षा किंचित न्यून प्रीति के विषय बने रहेंगे। तो भगवान भी बनाया, इष्ट भी बनाया और अपनी अपेक्षा न्यून प्रीति का विषय, तो कलंक है एक प्रकार से। दूसरी बात यह है कि अगर हम संसार को सत्य मानेंगे, जगत को सत्य मानेंगे, तब क्या होगा, नाम की सर्वाधिक महिमा प्रकट नहीं हो पाएगी। नाम का लंबन लेकर भवसिंधु में हम क्या करेंगे, भवसिंधु का थाह पता पा सकते हैं, भवसिंधु के पार हो जा सकते हैं, लेकिन भवसिंधु सूखेगा तब जब हम भवसिंधु को मिथ्या मानेंगे। भगवान में भव को जब तक मिथ्या न माने, भगवान में जगत विवर्तवाद के अनुसार मिथ्या न माने, तब तक भगवान नाम का सर्वाधिक महत्व सिद्ध नहीं होता। नाम लेत भवसिंधु सुखाई करहु विचार सुजन मन माही, बहुत विचित्र बात है। ये डरते क्यों हो, या मरु है, मरु जल मरु नदी को देखकर डूबने की संभावना थी। एक ने कहा डरते क्यों हो, या मरु है, मरु का नाम सुनते ही निरीक्षण परीक्षण करने पर मरु में मरु बुद्धि हो गई, तो बिना यांत्रिक बांत्रिक तांत्रिक विधा के मरु नदी सूख गई। इसीलिए नाम लेत भवसिंधु सुखाही, विवर्तवाद की दृष्टि से भगवान नाम की जितनी महिमा चरितार्थ होती है, जगत को सत्य मानने पर उतनी महिमा चरितार्थ नहीं होती। नायम सर्पो रजुरियम, या सर्प नहीं है या रस्सी है, अरे अरे यह जल नहीं है नदी नहीं है, यह तो मरु है। नाम लेत भवसिंधु सुखाई, तुलसीदास जी ने जगत को ब्रह्म का विवर्त मान करके भगवान नाम की सर्वाधिक महत्ता पर प्रकाश डाला। अगर हम जगत को सत्य मानते हैं तो भवसागर का थाह प्राप्त कर सकते हैं, भवसागर को तर सकते हैं, तैर करके तर भी सकते हैं, था भी पा सकते हैं, लेकिन भवसिंधु सूख जाए वो तब तक संभव नहीं है जब तक हमारे दृष्टि में भव मिथ्या सिद्ध न हो। मिथ्या का माना भगवत तत्व का विवर्त ही सिद्ध न हो। एक दिन मैंने विस्तार पूर्वक कहा, बौद्धों का जो मिथ्यात्ववाद है, अपनोदन का सिद्धांत है, वो नैरात्म्यवाद घटित है। उनके यहाँ निषेध ही निषेध है, कुछ है ही नहीं। अघट कहने पर घटातिरिक्त का निषेध हो गया, निषेध में ही अघट शब्द का विनियोग हो गया। एक विचित्र बात, मैंने घट कहेंगे घट विधिमुख से, अर्थ क्या होगा, घट कहने पर घटातिरिक्त का प्रतिषेध हो गया, घट नामक कोई पदार्थ शेष नहीं रहा। भगवान शंकराचार्य ने कहा, सत्यम ब्रह्म ज्ञानम ब्रह्म आनंदम ब्रह्म आनंदो ब्रह्म अनंतम ब्रह्म। केवल निषेध मुख से कहें तो अनंतम ब्रह्म, सबका निषेध हो गया, लेकिन सत्यम ब्रह्म ज्ञानम ब्रह्म व्यावर्तक होते हुए भी स्वरूप के लक्षक हैं। ये सत्यम कहने पर अनित्य का व्यावर्तन ही नहीं हुआ,
बल्कि भाव पदार्थ का इंगन भी हुआ, इंगित भी हुआ। व्यावर्तन में ही इनकी शब्दि इनकी शक्ति समाप्त नहीं हो जाती, वस्तु के निर्धारण को भी ये इंगित करते हैं। सत्यम ब्रह्म ज्ञानम ब्रह्म, अचित पदार्थ का निषेध ही नहीं हुआ, चित धातु का विमर्श भी प्राप्त हो गया। ऐसे आनंदम ब्रह्म, संताप दुख का प्रतिषेध ही नहीं हुआ, आनंद का इंगन इंगित भी हुआ, आनंद आनंद की प्राप्ति भी हुई। इसका अर्थ आज के प्रवचन का सार क्या निकला, नाम लेत भव सिंधु सुखाई। हम भव सिंधु को भगवान का विवर्त मानते हैं, भव सिंधु का वास्तविक स्वरूप, भव का वास्तविक स्वरूप भगवान ही है। हमारे यहाँ नैरात्म्यवाद का अर्थ क्या होता है, सबको शाश्वत जीवन प्रदान करना, सबको शाश्वत जीवन प्रदान करना। अगर ऐसा ना भी करें तो प्रकृति छोड़ेगी क्या, प्रलय का जब अवसर होगा तब पार्थिव प्रपंच का दर्शन हो ही जाएगा, पृथ्वी का दर्शन हो ही जाएगा, जल का दर्शन हो ही जाएगा, तेज का दर्शन हो ही जाएगा, वायु का दर्शन हो ही जाएगा, आकाश का दर्शन हो ही जाएगा, अव्यक्त का दर्शन हो ही जाएगा, आत्म तत्व में अव्यक्त एकीभूत होकर सन्निहित रहेगा। कितना भी पकड़ना चाहें, हमने कहा था एक दिन, पूरी अहमता ममता लगा करके अपने शरीर को सगे संबंधियों को पकड़ के रखा, काल ने सब पर पानी फेर दिया। पुरानी पत्नी पुराने पति कुछ याद किस शरीर में थे, कौन सा चुलबुलापन करते, कुछ याद है क्या। जगत को कितना भी अहमतास्पद ममतास्पद बना के रखें, काल क्या करता है, सब पर ऐसा पानी फेर देता है। अरबों अनादिकाल से अरबों शरीर हमने प्राप्त किया, उन शरीरों में एक एक शरीर में हम थे तो उछलते कूदते थे, उनको लेकर ही सर्वतोभावेन अहमता ममता चिपकी हुई थी। काल ने क्या किया, सत्य को उजागर इतना कर दिया, कुछ भी नहीं। यह भी शरीर अगर तत्व ज्ञान नहीं हुआ, इस शरीर को लेकर फुदकते हैं, काल इस पर ऐसा थपेरा मारेगा, ये भी घन सुसुप्ति का रूप धारण कर लेगा। इसलिए अब हम प्रवचन को विराम देते हैं। हमारे जीवन में जो त्याग की आवश्यकता प्रतीत होती है हमें, उस पर ध्यान दें तो भगवत तत्व की अभिव्यक्ति का मार्ग प्रशस्त होता है। निद्रा का वेग आते ही प्रिय वस्तु सगे संबंधी किसी पर दृष्टि डालने की आवश्यकता नहीं होती, सबसे आँख मिचनी पड़ती है, अपने शरीर से भी आँख को मिचनी पड़ती है, मन को प्रणाम करना पड़ता है या मन हो ही जाता है। इंद्रियों को भी फुदकते रहने दें तो नींद नहीं आएगी, इंद्रियों से भी प्रामता हो जाती है, अंतःकरण से भी प्रामता हो जाती है, प्राणों से भी उपरामता, प्राणस्पंदन को ही गिनते रहें तो विक्षिप्त हो जाएं, विषय जन्य आनंद को ही बटोरें उसी में ध्यान रखें तो विक्षिप्त हो जाएं, अंत में आनंद सुख भोग्य कोटि प्रविष्ट आह्लाद इनसे भी मुख मोड़ लेते हैं तब गाढ़ी नींद आती। कितनी ऊंची चीज है। कल भी मैंने कहा था, त्यागात शांति रनंतरम रपट पड़े तो हरि गंगा हर गंगा, परसों भी कहा था, कल भी चौथे रोज, अनिच्छन्नपि त्याग हो जाए, न चाहने पर भी कोई विद्यार्थी परीक्षा के दिन में पढ़ना चाहता हो इतने नीम झटका आ जाए। आज मैं सोच रहा था, विद्यार्थी जीवन तो जीवन भर रहता है, लेकिन कहने को जब हम विद्यालय में पढ़ते थे तो हमारे मित्र कहते थे कि आजकल तो ज़्यादा पढ़ते हो गए, हमने कहा ना क्यों, परीक्षा के दिनों में तो आधे पढ़ते, हमने कहा हम 12 महीने इतना पढ़ते हैं, उससे अधिक समय नहीं कि परीक्षा के दिनों में ज़्यादा पढ़ने का अवसर नहीं मिले क्या। आप लोग परीक्षा के दिनों में ज़्यादा पढ़ते हो, हम तो 12 महीने परीक्षा के दिन नहीं होते तो इतना पढ़ते हैं, उससे अधिक मेरे पास 5 मिनट भी समय नहीं होता कि परीक्षा के दिनों में ज़्यादा पढ़ूँ, हर समय परीक्षा ही मेरे जीवन में है। तो क्या सार निकला,
निद्रा का वेग जिससे जिससे उपरांता का बल और वेग प्रदान करता है, क्या क्या है? बाह्य जगत, रिश्तेदार नातेदार, स्थूल शरीर, फिर इंद्रियां, फिर क्या है, अंतःकरण, प्राण, अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय कोश, फलात्मक आनंदमय कोश, प्रिय मोद प्रमोद, इन सभी उपराम हो जाते हैं। लेकिन थोड़ा विचार कीजिए, बबूल का बीज चिक्कन होता है, आपकी हथेली पर या हमारे हथेली पर रख दे कोई, सूक्ष्म वीक्षण के द्वारा निहारने पर भी उसमें छिपे हुए तीक्ष्ण कांटों का दर्शन नहीं होता। लेकिन उसी बबूल के चिक्कन बीज को जब अनुकूल पृथ्वी, पानी, प्रकाश, पवन, आकाश, दिक् काल का संसर्ग प्राप्त होता है, तीक्ष्ण कांटे निकल आते हैं। उसी प्रकार महाप्रलय में परमात्मा से एकीभूत होकर शेष थे, फिर भी जगत के प्रति महत्व बुद्धि, सत्यत्व बुद्धि को लेकर जो प्रलय दशा को प्राप्त हुए, उसके फलस्वरूप पुनः ज्यों के त्यों बबूल का बीज है, चिक्कण है, लेकिन उसमें कांटे आदि सब छिपे हैं। महाप्रलय में सजाति विजाति स्वगत वेद शून्य होकर केवल भगवत तत्व होकर शेष रहते हैं। अंतर्निहित योग्यता के बाद के कारण फिर ज्यों के त्यों क्या होता है, देहेंद्रीय प्राणांतःकरण से युक्त जीव हो जाता है। तो आज के प्रवचन का सार निकालें, निकला क्या, व्यवहार भी कीजिए लेकिन परमात्मा की सिद्धि के लिए, परमात्म तत्व की सिद्धि के लिए, परमार्थ सिद्धि के लिए, तदर्थे खिल चेष्टितम, सारा व्यवहार परमात्मा की प्राप्ति अभिव्यक्ति के लिए हो। मृत्यु जड़ता दुख पर पानी फेरने के लिए जीवन मिला है, मनुष्य शरीर में वो क्षमता है, इसलिए भगवत भजन हो, जीवन यापन करें, तो भी जीवन जगदीश्वर की प्राप्ति के लिए है, तदनुकूल जीवन यापन करने का प्रयास करें। ऐसा उपाय न सोचें जिससे परमात्मा तत्व से सुदूर हो जाएं, मानवोचित शील से सुदूर हो जाएं। इसका अर्थ तदर्थे खिल चेष्टितम, भगवदर्थी जीवन की सारी चेष्टा हो। इस समय कोरोना का ही प्रचार ज़्यादा है और सरकारी तंत्र भी इसके प्रचार प्रसार में लगा है। सावधान तो व्यक्ति हैं लेकिन मनोविज्ञान की दृष्टि से जहाँ अप्रमत्तता व्यक्ति के जीवन में है, वहाँ भय इतना है कि मन में कोरोना का सन्निवेश कर दिया गया। क्या मनोविज्ञान की दृष्टि से बहुत दुर्बलता है, ध्यान गया? सावधानी तो चाहिए पर इतना सावधान मत लोगों को कीजिए कि मन में जाके कोरोना बस जाए। क्या तो ये जो प्रसारण विभाग है, मनोविज्ञान की दृष्टि से मैं कह रहा हूँ, केंद्रीय शासन तंत्र इस पर ध्यान दे, मनोवैज्ञानिक ढंग से बहुत दुर्बलता का परिचय दिया जा रहा है। आप सावधान तो कीजिए, उन सावधानी के नाम पर व्यक्ति के चित्त में कोरोना को बसा मत दीजिए। अभी क्या हो रहा है, ये जो प्रसारण होता है ना कैसेट के माध्यम, कोरोना कोरोना कोरोना, इतने बार हाथ धोइए साबुन से, अब आपको साबुन दिख रहे हाथ धो रहे, हम लोग तो वैसे ही शुद्ध मिट्टी से, कितने बार, ये गंदे हैं, रूढ़िवादी हैं, मिट्टी का प्रयोग करते, राम राम, अब वही आया, कितनी चिड़िया उड़े आकाश, ये तो बस पेशाब भी करने जाएंगे तो पांव धोते हैं फिर आचमन करते हैं। अब लो, कोरोना ने एक तो किया कर्मकांड के प्रति जो अनास्था हो गई, जो ढोंग मालूम है आपको, आगरा आदि के जो वेदांती होते थे ना पहले, हम पूजन करें, ओ प्रवचन जब सुनने आवे उड़ियावा जी के यहाँ वृंदावन में, उनको हो कि ये इतने बड़े वेदांती हैं तो भगवान शालग्राम नहीं रखते होंगे, नर्मदेश्वर नहीं, जप आदि नहीं करते होंगे, उनमें से कुछ आ गए, उस समय में जप कर रहा था पूजन कर, अरे गुरु जी तुम भी ढोंग करते हो, वो आगरा की भाषा है, वेदांती आप भी ढोंग करते हैं
वहाँ ढोंग, हाँ आप भी ढोंग करते हैं तो बड़ी विचित्र बात है ढोंग। अब देखिए जिसको जिसको ढोंग कह रहे थे, मिट्टी से हाथ धोना ढोंग, आत्मन करना ढोंग, पांव पेशाब के बाद पांव धोना ढोंग, अब सब ढोंग क्या निकल आया जी तो घुमा फिरा के कुछ भी करो आना तो वही है जहाँ ऋषियों ने पहले पहुँचाया। तो मैं संकेत कर रहा हूँ कोरोना के प्रति जागरूक सावधान रहें और कोरोना का इतना प्रचार मत करें मनोवैज्ञानिक ढंग से कि वो मन में जाकर घुस जाए। मन में अगर आपने कोरोना को बसा दिया तो बिना बाह्य निमित्त के भी हर व्यक्ति मरीज हो जाएगा, विक्षिप्त हो जाएगा, पागल हो जाएगा। मनोविज्ञान का उपयोग नहीं हो रहा है। केंद्र से इन लोगों को आदेश प्राप्त हुआ होगा तो मैं संकेत करता हूँ फ्रायड आदि के मनोविज्ञान तो क्या महाभारत के सामने कुछ सिद्ध नहीं होते। विश्व में जितने मनोविज्ञान के ग्रंथ हो सकते हैं 50 साल पहले ही लगभग हमने उन सबको पढ़ा होगा। महाभारत में जितना मनोविज्ञान है, पुराणों में जितना मनोविज्ञान है, उतना तो कहीं बार हो ही नहीं सकता। ये जो आवश्यकता से अधिक सावधानी की बात कही जा रही है, ये मन में कोरोना को निवास करने का मार्ग प्रशस्त किया जा रहा है। इतना जागरूक मत बनाइए लोगों को कि मनोगत रोग हो जाए, क्योंकि व्याधि के मूल में आधि। अगर कोरोना को आपने सावधानी के नाम पे मन में बसा दिया तो बाहर भी कोरोना होना ही होना। तो मनोविज्ञान की दृष्टि से सावधान कीजिए, लेकिन मनोगत कहीं कोरोना को बसा मत दीजिए, मन में कहीं कोरोना को बसा मत की दीजिए। तो सावधानी ज़्यादा बरतने पर भी व्यक्ति रोगी हो जाता है। तो हमने संकेत किया। और एक विचित्र बात है, अभी हम सुन रहे थे, कोई कह रहे थे अमित शाह जी सावधान, जब आप बंगाल में रैली निकालने जाते हैं मोदी जी अमित शाह जी, इतनी भीड़ होती है कि व्यक्ति से व्यक्ति सटे होते हैं, उस समय आप तो इतने सिद्ध हैं, हे कोरोना देवी हमारी सभा में बिल्कुल मत प्रवेश करना, वर्जित 144 धारा। और जब हरिद्वार में कुंभ मिलता है या रथ यात्रा की बात पूरी में होती है, हे कोरोना देवी भक्तों को चिपक जाना, आपने सिद्ध रख कर रखा है कोरोना को। बंगाल में चुनाव के अवसर पर व्यक्ति से व्यक्ति सटे होते इनके प्रवचन सुनने के लिए, उस समय ये नहीं कहते कि कोरोना, उस समय तो बहुत प्रसन्न होते इतने व्यक्ति सुनने आए। और अगर हरिद्वार में कोई आके 100 व्यक्ति प्रवचन सुने, क्या बात है भाई, शंकराचार्य ध्यान नहीं रखते कोरोना का, लो सब कोरोना आपको धार्मिक आध्यात्मिक क्षेत्र में ही कोरोना से दे के आप फूंक दो, और राजनीतिक क्षेत्र में गले से गले मुंह से मुंह मिला करके आपकी रैली में लोग शामिल होते हैं, वहाँ कोरोना देवी कहाँ चली जाती है? ये पाखंड हुआ या नहीं, दोहरी नीति हुई या नहीं? धार्मिक आध्यात्मिक स्थलों में आपने कोरोना के नाम पर शून्यता प्रकट कर दी। हम तो किसी को नहीं कह रहे कि आइए, हम तो किसी को नहीं कह रहे मत आइए, क्या हम तो मौन हैं? साथ वाले जानते हैं किसी को कहते हैं कि आ जाओ, और किसी को कहते हैं मत आओ, हम तो बिल्कुल तटस्थ हैं, मौन हैं। हम भी यहाँ प्रवेश किए हैं तो आप लोगों ने जो नियम निर्धारित किया उसके अनुसार हमने यहाँ प्रवेश किया है। कोई धारा तोड़ के तो प्रवेश नहीं किया, आपने प्रवेश करने दिया तो हम यहाँ प्रवेश किए। लेकिन थोड़ा विचार कीजिए कि राजनीतिक जब सभा होती है तो कोरोना कोई चीज़ आपके लिए नहीं है, मुंह से मुंह मिला करके व्यक्ति आपका प्रवचन सुनते सटे रहते हैं, और धार्मिक आध्यात्मिक क्षेत्र में मंदिर मठ मंदिर की बात होती है आपको कोरोना सूझती है। इस दम्भ को जनता अच्छी प्रकार समझती है, इस दम्भ, ये दम्भ हुआ या नहीं? एक ही कोरोना आपके लिए घातक नहीं और धार्मिक स्थलों के लिए घातक, ये दोहरी दुरंगी नीति ठीक नहीं है। नीति व्यवस्थित होनी चाहिए। कोरोना है तो राजनीतिक क्षेत्र में भी है, कोरोना है तो केवल धार्मिक क्षेत्र में लग जा और राजनीतिक क्षेत्र में भग जा, ये नहीं। तो हमने सावधान किया कि ये धार्मिक आध्यात्मिक जगत को बिल्कुल उपेक्षित करना, कोरोना के नाम पे सबको डरा देना,
और चुनाव जीतने के लिए रैली निकालना, मुंह से मुंह मिला के चलना, उसमें कोई प्रतिबंध नहीं, दुरंगी नीति ठीक नहीं है। श्री राम, जय जय राम। धर्म के अधर्म का, प्राणियों में विश्व का, गोमाता की गोहत्या, भारत सर्वभूत हृदय धर्म सम्राट श्री स्वामी कर्पात्री जी महाराज की, हरिद्वार मेरी जन्मभूमि है। किस दृष्टि से? यहीं संन्यास हुआ था, संन्यास की दृष्टि से हरिद्वार मेरी जन्मभूमि है। शरीर कहीं भी जन्मा हो, लेकिन संन्यास की दीक्षा मुझे कुछ गुरुदेव से यहीं प्राप्त हुई, तो हरिद्वार के प्रति मेरा विशेष अपनत्व याद आ जाए तो इसलिए है कि यह मेरी आध्यात्मिक दृष्टि से जन्मभूमि है। ये जो दंड है, आज निकेत जी बता रहे थे, हमने बताया होगा, ये दंड क्या है मालूम है? पूज्य गुरुदेव को ये पता था कि एक वृंदावन में युवक रहता है, उसने मुझसे प्रार्थना किया संन्यास के लिए, तो छड़ी वाले बांस उधर बहुत होते, किधर? कहाँ? जौनपुर? नहीं नहीं वो मिर्जापुर क्षेत्र। हाँ, पूज्य गुरुदेव आ रहे थे, उनके ड्राइवर पारसनाथ तिवारी थे, पारसमणि। उन्होंने कहा रुको रुको, ये छड़ी वाले बांस दिख रहे हैं, एक है ना वो ब्रह्मचारी, उसको संन्यास देना है, सबसे बढ़िया जो बांस हो चुनो। हमारा ने बताया ये सबसे बढ़िया बांस, पूज गुरुदेव के द्वारा निर्दिष्ट ये बांस वो स्वयं दंड ब्रह्ममुद्रा बनवा कर लाए थे। इस दंड की यह महिमा है, क्या बांस का चयन मैंने नहीं किया, इतना उनका अनुग्रह। बांस का चयन मैंने नहीं किया, ये दंड मेरे द्वारा ढूंढा नहीं है, जिनसे दंड लिया वे महाराज स्वयं खड़े होकर के उस इस बांस को जिसे दंड बनाया कटवाया, ये बहुत अच्छा रहेगा। बांस भी बहुत विचित्र है, दिव्य है, इसकी इसलिए ब्रह्म मुद्रा भी महाराज ने स्वयं बनवा करके, फिर परस मुद्रा बाद में हमने, तो ये हरिद्वार हमारी जन्मभूमि इसलिए है, संन्यास का योग यहीं सदा, मुझे गुरुदेव का अनुग्रह यहीं प्राप्त हुआ। श्री राम जय राम जय जय राम, हर हर। अब भारत नेपाल भूटान प्रथम चरण में हिंदू द्वीप, एशिया महाद्वीप द्वितीय चरण में हिंदू द्वीप, पूरा भूमंडल तृतीय चरण में हिंदू द्वीप बने, इस भावना से हमारा प्यारा हिंदू द्वीप, हम हैं इसके प्रहरी और प्रदीप, हमारा प्यारा हिंदू द्वीप, वंदे मातरम वंदे मातरम, हमारा प्यारा हिंदू द्वीप, हम हैं इसके प्रहरी और प्रदीप, वंदे मातरम। सबके पूर्वजों का नाम सनातन वैदिक आर्य हिंदू है, इस बात का कोई खंडन कर सकता है? क्या ईसा मसीह क्रिश्चियन थे? क्या मोहम्मद शाह मुसलमान थे? क्या नानक जी सिख थे? सबके पूर्वज का नाम सनातनी वैदिक आर्य हिंदू। सबके पूर्वज का अर्थ क्या होता है? महाभारत के अनुसार बोल रहा हूँ, भागवत के अनुसार बोल रहा हूँ, पहले भी मैंने कहा है, मरीच आदि महर्षियों की धर्मपत्नियों
उनका गर्भाशय बहुत दिव्य। तेज तो मरीचि इत्यादि महर्षियों का, लेकिन स्वाति नक्षत्र के जल बिंदु को अभिव्यंजक संस्थान जैसे अपने सांचे और ढांचे में ढालकर कहीं कपूर कभी मोती आदि बना दें, कहीं वंशलोचन, ऐसे ही महर्षियों के धर्मपत्नियों का गर्भाशय इतना विचित्र दिव्य था कि मरीच इत्यादि महर्षियों के धर्मपत्नियों के गर्भ से ही शेष नाग भी उत्पन्न हुए। इसका मतलब क्या है? वृक्ष इत्यादि भी, स्थावर जंगम जितने प्राणी हैं वे सब के सब मरीच इत्यादि महर्षियों की धर्मपत्नियों के गर्भ से उत्पन्न हुए। सबके पूर्वज का नाम हिंदू है, सनातनी वैदिक आर्य हिंदू। गोत्र प्रवर्तक ऋषि हमारे हो गए पिता, बीच कांतर भावन में कर देते हैं क्या। हम लोगों के लिए तो गुरु परंपरा की दृष्टि से बहुत आसान है। श्रीमन नारायण के दसवें स्थान पर शंकराचार्य, शंकराचार्य जी के बाद 145वें स्थान पर मैं, श्रीमन नारायण से कुल 155वां स्थान मेरा है। कल बताया 1,97,29,49,121 वर्ष की हमारी इस कल्प में गुरु परंपरा। सुन लीजिए मोदी जी, कोई फूक मार कर उड़ा देगा क्या? भारत की राजनीति जो आजकल है उसकी परंपरा क्या है? कुछ भी नहीं, फूक मारो उड़ जाए। हम लोगों की इस कल्प में गुरु परंपरा 1,97,29,49,121 वर्षों की है, और श्रीमन नारायण से मेरा स्थान 155वां, श्रीमन नारायण से शंकराचार्य का स्थान आदि शंकराचार्य का 10वां, और पूरी पीठ का मैं 145वां शंकराचार्य हूँ, श्रीमन नारायण से कुल 155वां स्थान। लेकिन पितृ परंपरा, बिंदु परंपरा की दृष्टि से अगर विचार करेंगे तब गोत्र प्रवर्तक ऋषि हो गए सबके पिता। हमारी भी तो बहुत बढ़िया है बात, घर का गोत्र भी कश्यप और मठ का गोत्र भी कश्यप, दोनों दृष्टि से हम लोग कश्यप हैं, ऋग्वेद हो ही गए। जन्म की दृष्टि से भी गोत्र कश्यप है, कश्यप हो गए, और पूरी पीठ का गोत्र भी, देखिए गोत्र चेतन का होगा या जड़ का, तो भगवान शंकराचार्य ने एक एक पीठ के गोत्र का निर्धारण किया। पूरी पीठ का गोत्र जो है क्या है? कश्यप। तो हमने संकेत किया मरीच इत्यादि महर्षियों की पत्नियों के गर्भ से सबकी उत्पत्ति भी, सबके पूर्वज ब्रह्मा जी गोत्र प्रवर्तक ऋषि हो गए पिता, अंत में ब्रह्मा जी हो गए पितामह, भगवान हो गए प्रपितामह श्रीमन नारायण, प्रपितामहश्च अर्जुन ने कहा, भगवान श्रीमन नारायण हो गए प्रपितामह। पिता कौन हो गए? गोत्र प्रवर्तक ऋषि। पितामह कौन हो गए? ब्रह्मा जी। विष्णु भगवान कौन हो गए? प्रपितामह। शिव जी का विवाह होने जा रहा था, पुरोहित कौन थे? स्वयं ब्रह्मा जी। जानते थे कि बेटा जो है क्रोधी है, शिव है, रुद्र है, लेकिन विवाह होना था। कहा कि दूल्हा जी, यहाँ तीन पीढ़ी का तो नाम लिया जाता है, आप अपने पिता का नाम बताइए। तो शिव जी ने सोचा सबका मूल तो मैं ही हूँ, शांतम से मद्वैतम चतुर्थम मन्यन्ते सातवां विज्ञेयः। लेकिन उड़िया में क्या कहते हैं? आइन का पेड़ तो भरना है। अंग्रेजी में क्या कहते हैं? कंडीशन फुलफिल तो करनी है, विवाह होना है भाई। तो ब्रह्मा जी ने कहा ज़्यादा कष्ट नहीं देंगे, अपने पिता का नाम लीजिए, आप स्वयं ब्रह्मा जी। ठीक, पितामह का नाम लीजिए। सर खुजलाते हुए शिव जी ने कहा विष्णु भगवान मान लो, विष्णु अधिक ने एक पीढ़ी और, प्रपितामह का नाम लीजिए। अब कोई हो तब तो मैं स्वयं। अच्छा अच्छा, हाँ समझ गया समझ। शांतम से मत बैठता हूँ, विवाह होना है भाई, तो आइन का पेड़ तो भरना है। शिव जी से कहा ब्रह्मा जी ने, तीन पीढ़ी का ऊपर नाम लेना पड़ेगा, पिता का नाम बताइए, पुरोहित जी आप स्वयं। ठीक है,
पितामह का नाम बताइए, फिर क्या हो जाएंगे? शिव जी के पितामह पिता हो गए कौन? ब्रह्मा जी पितामह विष्णु जी। प्रपितामह का नाम बताइए, कोई हो तब तो, न बतावे तो विवाह न हो, मुझे स्वयं मान लीजिए। सबके मूल में भी हूँ और आपका पुत्र भी हूँ। जो सबके मूल में है वो पुत्र भी है। तो हमने संकेत किया, क्या संकेत किया? सबके पूर्वज का नाम सनातनी वैदिक आर्य हिंदू। पूरे विश्व में इस पर लहर चलनी चाहिए, चल भी रही है। मोहम्मद साहब हो, ईसा मसीह हो, कोई भी हो, सबके पूर्वजों के पूर्वज का नाम सनातन वैदिक आर्य हिंदू। इसलिए और किसी के पास इतिहास नहीं है सृष्टि रचना आदि का, पृथ्वी की आयु, जल की आयु, तेज की आयु, वायु की आयु, आकाश की आयु, ब्रह्मांड की संख्या कितने हैं? ब्रह्मांड सार्ध त्रिकोटि, कहाँ लिखा? स्कंद पुराण। ब्रह्मा जी ने अपने चिन्मय कर कमलों से श्री जगन्नाथादि दारू ब्रह्म को प्रतिष्ठित करने के बाद स्तुति की है। हम 3.5 करोड़ ब्रह्मा हैं। 3.5 करोड़ कहाँ से आ गया जी? अवु म और अर्ध मात्रा, प्रणव के आधार पर ही सारी संख्या चलती है। पूरी सृष्टि का वर्णन हम लोग केवल एक अक्षर प्रणव के आधार पर कर सकते हैं। 3.5 करोड़ ब्रह्मा होते हैं, तो 3.5 करोड़ ब्रह्मा होते हैं तो 3.5 करोड़ ब्रह्मांड हो गए या नहीं? हमारे यहाँ तो ब्रह्मांड की संख्या भी सुनिश्चित है, 3.5 करोड़, 3.5 करोड़ ब्रह्मा और 3.5 करोड़ ब्रह्मांड। और मंत्र कितने होते हैं जी? 7 करोड़। अनुलोम और विलोम से 3.5, 7.5, 3.5 कितने हो जाएंगे? 7। कहाँ लिखा है? तेजो बिंदु प्रसाद। मंत्रों की संख्या 7 करोड़, स्कंद पुराण ब्रह्मांड की संख्या 3.5 करोड़, और मंत्र की संख्या अ उ म और अर्धमात्रा 3.5 और 3.5, 7। 7 करोड़ माने प्रकार, 7 करोड़ मंत्र हैं, 3.5 करोड़ ब्रह्मांड हैं। तो हर दृष्टि से विचार करें तो पूरी सृष्टि की आयु 31,10,40,000 वर्ष होती है। इस समय जो ये पृथ्वी है इसकी आयु कितनी? 1,97,29,49,121 वर्ष की ये पुरानी पृथ्वी हो गई। तो कोई फूक मार करके जो अनादि गुरु परंपरा सब लोगों को ज्ञान विज्ञान प्राप्त है उड़ा दे, संभव नहीं। ये देखो आ गया फूक मार करके, यही आएगा। फूक मार करके हरा दे, ये सब कोरोना के हैं दूत। तो हमने संकेत किया ना, हमको हंसी आती है जब कोई चुटकी लेता है, कांग्रेसी हो, भाजपाई हो, कोई भी हो, जब चुटकी लेते हैं या मन में सोचते हैं कि शासन तंत्र से ऊपर कोई व्यास तंत्र ना उठ खड़े हो, समकक्ष भी ना हो, तो उल्टी गंगा वहन। अरे आपकी गद्दी कितने वर्षों की? हम लोगों की गद्दी इतने वर्षों की है, प्राचीन है, उसको आप फूक मार के उड़ा देंगे क्या? इसलिए ये जो पीठ है इसकी मर्यादा की रक्षा करनी चाहिए। मठ मंदिर हमारे दुर्ग हैं, इनको सेकुलर तंत्र के बाहर रखना चाहिए। मठ मंदिरों पर हम लोगों का अधिकार होना चाहिए। सिखों के गुरुद्वारे आदि पर अधिकार किसका है? तो एक एक शंकर, मैंने कल भी कहा था, सरदार वल्लभ भाई पटेल जहाँ भी हों प्रसन्न रहें, लेकिन बड़ी भूल की, अगर वो एक शंकराचार्य के क्षेत्र में एक राजा कर देते, राजतंत्र को मिटाते नहीं, 300 से अधिक देशी राजा थे, एक शंकराचार्य के क्षेत्र में एक राजा, कुल 4 आचार्य होते, भारत में 4 राजा होते, इससे बहुत बढ़िया शासन होता। क्या? एक शंकराचार्य के अधीन एक राजा, जैसे भगवान शंकराचार्य के समय में था, एक शंकराचार्य के अधीन एक राजा, बृहद भारत में कुल 4 राजा होते, 4 शंकराचार्य होते, व्यासपीठ और शासन तंत्र में सैद्धांतिक सामंजस्य होता, धर्मराज और रामराज की प्रतिष्ठा होती। अभी भी नकली शंकराचार्य आदि न बनाया जाए, 4 शंकराचार्य वो भी किसी राजनीतिक दल के गुप्त या प्रकट क्या अनुगामी ना हो,
पूरे अपने कर्तव्य दायित्व को समझकर उसके पालन में समर्थ हों। तो चार अगर हमने संकेत किया, चार राजा होते, चार आचार्य होते, भारत का कलेवर कुछ और होता। अभी जो है विकृति की पराकाष्ठा है, लेकिन इस विकृति की दशा में भी हम लोग कुंभ में आए। भगवान कृपा, गंगा माँ की जय। श्री राम, जय राम, जय जय राम।